हेलो फ्यूचर रीडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टेक्निकल फिजिक्स में। और हमारे चैनल पे आने वाले सारे नए व्यूअर्स का भी मैं बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज का जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है टाइम डायलेशन एंड टाइम ट्विन पैराडॉक्स। तो स्पेशली ट्विन पैराडॉक्स क्या है इसको समझने के लिए हमने यहाँ पर इस टॉपिक को इंक्लूड किया है। तो रिलेटिविटी के अगर इससे पहले के आपने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको देख लीजिए। आई बटन पर क्लिक करके भी आपको ये लिंक मिल जाएंगे, नीचे जो हमारा डिस्क्रिप्शन है वहां पर भी हमने इसके लिंक दिए हुए हैं। तो टाइम डायलेशन से हम क्या समझेंगे, तो इसको हम कुछ इस तरीके से समझते हैं कि दो रेफरेंस फ्रेम अभी तक हम बात करते हुए आ रहे हैं, एक एस है एक एस डैश है, और रेस्पेक्टिवली हम कहें कि दोनों के पास कुछ क्लॉक्स हैं और ये क्लॉक बिल्कुल सेम टाइम पर मैच की गई है। यानी कि जब ये चला नहीं है ये वाला फ्रेम, और ये मान लेते हैं कि इसी के ऊपर ओवरलैप है, ओ और ओ डैश की यहीं पे एक साथ पोजीशन है, उस टाइम पे इन दोनों का टाइम इंटरवल कैसा होगा, डेल्टा टी की अगर हम बात करेंगे तो वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इस पे भी 8 बज रहा है, दूसरी घड़ी पे भी 8 बज रहा है, तो 8 बज रहा है मीन्स 8 - 8 = 0। लेकिन अब हम क्या बात यहां पर कहना चाहते हैं कि ये जो दूसरा वाला फ्रेम था जो v वेलोसिटी से चलता है, और ये कैसी वेलोसिटी से चलने लग जाता है, कंसीडर करते हैं इसको कि बहुत हाई वेलोसिटी से चलना शुरू कर देता है। ये हाई वेलोसिटी कितनी हाई होगी, ये इतनी हाई होगी कि ये लाइट की स्पीड को कंपेयर करने के लायक बन जाए, उसके कंपेरेटिवली उसको अप्रोच करने लग जाए, जैसे सैटेलाइट की स्पीड, जैसे रॉकेट की स्पीड, इतनी हाई स्पीड से ये चलना शुरू कर दे। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो इसकी जो क्लॉक है जो मोशन में है, क्योंकि मोशन में क्यों है, ये क्लॉक उसी फ्रेम में रखी गई है, एस डैश फ्रेम में, ओ डैश ऑब्जर्वर के पास है, तो ये क्लॉक जो होती है ये स्लो चलना शुरू कर देती है, जिससे कि जो हमारा टाइम है वो डायलेट हो जाता है। टाइम डायलेशन का मतलब ये है कि इंक्रीजिंग इन टाइम, टाइम में बढ़ोतरी, कब, जब वो क्लॉक या वॉच कैसी हो जाए, बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मोशन में हो जाए, तो उसके रेस्पेक्ट में जो हमारा ऑब्जर्वर वो होगा जो रेस्ट में होगा, उसके रेस्पेक्ट में इसकी जो क्लॉक होगी वो कैसी चल रही होगी, स्लो चल रही होगी। तो टाइम डायलेशन का मतलब ही है, इस फॉर्मूले से इसको हम समझ सकते हैं, t = t0 √1 - v² / c². हमेशा याद रखना है कि यहां पर जो हम t लेते हैं यही हमारा डायलेटेड टाइम है, यानी कि जो टाइम इंक्रीज होगा वो t है, और जो t0 होता है वो एक्चुअल टाइम, जिसे हम प्रॉपर टाइम भी कहते हैं। ठीक है, तो डायलेटेड टाइम कब होगा, जब भी कोई क्लॉक बहुत हाई वेलोसिटी के साथ मोशन में होगी, तो रेस्ट फ्रेम में जो इनर्शियल फ्रेम है, जो रेस्ट, दोनों इनर्शियल है कांस्टेंट वेलोसिटी से क्योंकि चल रहा है, लेकिन रेस्ट वाले के कंपैरिजन में जब ये इसको ऑब्जर्व करेगा तो इसका जो टाइम होगा उसके जो पास घड़ी है उसके कंपैरिजन में कैसा चल रहा होगा, स्लो चल रहा होगा, इसी टाइम को हम कहते हैं डायलेटेड टाइम। इसकी जो वैल्यू होती है, हमेशा याद रखना है कि टी की जो वैल्यू होती है वो हमेशा लार्ज होती है टी नॉट से। डायलेटेड टाइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन प्रॉपर टाइम। कभी भी कंफ्यूजन ना हो इसके लिए हमने यहां पर जीरो लगा रखा है। जिस भी जगह पे हम रिलेटिविटी के हमारे आप सारे डेरिवेशन देखिएगा, वहां पर हम जीरो जहां भी लगा रहे हैं इसका मतलब है वो प्रॉपर वाली वैल्यू होगी। जैसे लेंथ कॉन्ट्रेक्शन में एल नॉट हमने लिया था तो वो होगा हमारा प्रॉपर लेंथ, टाइम में जीरो लिया है तो प्रॉपर टाइम, मास में जीरो ले लेंगे तो प्रॉपर मास, या कह सकते हैं रेस्ट कंडीशन का मास। तो इस तरीके से टाइम डायलेशन को समझा जा सकता है। तो हमारा जो आज के टॉपिक का मोटिव है वो है ट्विन पैराडॉक्स को समझना। अब ट्विन पैराडॉक्स क्या है, ट्विन पैराडॉक्स में इस क्लॉक की जगह पे हम अब कर लेते हैं कंसिडरेशन की दो जुड़वा ब्रदर, एक जुड़वा ब्रदर ये दूसरा जुड़वा ब्रदर, दोनों अभी कह सकते हैं 10 साल के हैं, दोनों की एज कितनी है 10 ईयर्स है, ये भी 10 ईयर्स का है, दोनों के दोनों अभी कहां पर है, इसी जगह पर है, यानी कि अभी मान लेते हैं कि एस डैश फ्रेम का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, दोनों कैसे हैं रुके हुए हैं, तो दोनों की एज कैसी है 10 ईयर्स। अब इसका मन किया कि भाई थोड़ा भाई स्पेस में घूम के आऊं, तो इसने क्या किया, ये सैटेलाइट में जाकर के बैठ गया, यानी कि यू सैटेलाइट का मतलब है हमारा एस डैश फ्रेम, जो कैसा है बहुत हाई वेलोसिटी से एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोशन में है। तो अब ये जो मोशन में है तो हम इसको यहां बना देते हैं जिससे कि हमें पता रहे
कि ये यहां से चलना शुरू कर चुका है। अब कितना चल रहा है, तो हमने एक टाइम पीरियड मान लिया कि वो 10 साल तक चलता है, ये कहता है, इसके कंपेरिजन मानते हैं कि वो 10 साल तक चलता है, इसके कंपेरिजन, इसकी जो घड़ी है उसके रोटेशन के हिसाब से कितना हुआ, 10 इयर्स यहां पर बीत चुके हैं, तो इसकी जो एज होगी आफ्टर 10 इयर्स, जो एस फ्रेम वाला ऑब्जर्वर है, जो एस फ्रेम वाला ब्रदर है, उसकी जो एज होगी वो कितनी होगी, 20 इयर्स। और जो कमाल की बात है, जो मैजिक है, वो क्या है कि जो एसडेस फ्रेम वाला ब्रदर होगा, जो रॉकेट में बैठ करके गया था, जो मोशन में था, जब वो वापस लौट के आएगा, अब ये सैटेलाइट में बैठ के घूम के आ चुका है, और जब ये वापस इससे मिलेगा तो 10 साल के बाद हो सकता है कि ये केवल कितने साल का हो, 12 साल का। ये एक एग्जाम्पल है कि 12 ही क्यों होगा, 12-13 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकती है वैल्यू वो, लेकिन इस 20 साल के कंपेरिजन में कैसा होगा, बहुत ही कम एज का होगा। और ये जो एज में कमी आई है कि इसकी एज धीरे धीरे बढ़ रही है, इसकी एज इसके कंपेरिजन में तेज बढ़ रही है, तो इसका टाइम क्या है, वो स्लो हो चुका है। अब यहां पर आप कहेंगे कि टाइम स्लो होने का मतलब तो भाई क्लॉक से था, यहां पर क्लॉक कौन सी चल रही है, तो याद रखना है कि ये जो क्लॉक होती है ये क्लॉक कहलाती है बायोलॉजिकल क्लॉक। तो बायोलॉजिकल क्लॉक क्या होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक वो क्लॉक होती है जो हमारी, जो हमारे शरीर में हार्ट बीट है, जो हमारे शरीर में ग्रोथ रेट है, वो भी हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक से रन करती है। जैसे जैसे टाइम बीतता है उसी हिसाब से हमारे टाइम, हमारे शरीर में परिवर्तन आते हैं, और ये जितने भी परिवर्तन आते हैं वो सारे के सारे इसी तरीके से बायोलॉजिकल क्लॉक, जो हमारी बहुत अगर हाई स्पीड में चल रही है तो उसमें वो परिवर्तन भी कैसे होंगे, बहुत ज्यादा स्लो रहते हैं। तो यही जो कंफिग्रेशन है, कह सकते हैं कि जो हमारा ट्विन पैराडॉक्स है, ट्विन का मतलब है जुड़वा ब्रदर की जो हमने बात करी थी, कि एज की जो पहला ब्रदर था उसकी एज तेजी से बढ़ रही है, जबकि जो दूसरा ब्रदर है उसकी एज स्लो स्लो बढ़ रही है। तो इस तरीके से हम इस पैराडॉक्स को समझ सकते हैं। तो अभी तक लेते हैं, रखते हैं, थैंक यू।